हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना मस्त वाला ध्यान दे रहे होंगे। तो आज है संडे का दिन, नहीं संडे नहीं है, सॉरी, आज तो मंडे का दिन है। यहाँ पे हम हैं तो हमको दिन भी पता नहीं चल रहा है कि कब संडे हो रहा है कब मंडे हो रहा है, क्योंकि बच्चों को स्कूल नहीं जाना है ना इसलिए। और इनके पापा आज निकल चुके हैं, लेकिन क्या बताया, ट्रेन छूटते छूटते बेचारे का ट्रेन किसी तरह से मिली हुई है। रात में ही निकलने वाले थे रात, लेकिन रात में 12 बजे ट्रेन थी और सोचे कि थोड़ा सा आराम करके उठते हैं, तो फिर सोए ही रह गए। सुबह हो गई एक ही बार, तो फिर सुबह ये कहे 6 बजे एक ट्रेन थी तो उसको पकड़ने के लिए, पर इतनी ज़्यादा वो ट्रेन भीड़ थी कि मतलब किसी भी तरह से ट्रेन में वो बैठ पाए हैं। खैर अब चले गए हैं, तो फिर अब हम लोग को जाने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे अभी फिर से मायके जाना होगा। मम्मी को जाना है घूमने के लिए, तो भाभी के साथ रहने के लिए कुछ दिन के लिए अभी हम मायके जाएंगे, उसके बाद से हम फिर बनारस जा पाएंगे। तो अभी यहाँ पे बज गया है 10:30 बज गए हैं और यहाँ पे मेरा टाइम ही ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि यहाँ इतने जल्दी सुबह ही 5 बजे ही सब लोग उठ जाते हैं और उठने के बाद सारे ही काम एकदम जल्दी हो जाते हैं, मेरा वो नहीं हो पाता है। और बनारस में हम रहते हैं ना, तो हमारी रूटीन बिल्कुल भी फिक्स रहती है, वहाँ तो बिल्कुल समय ही नहीं मिलता है। और यहाँ अब इस समय से लेकर के शाम तक बस बातें करना ही काम है, इसकी वजह से मेरी ना वीडियो बन पा रही है ना कुछ भी बन पा रही है। और सबसे प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ इतने खुले में घर है ना कि अच्छे से आ भी नहीं रही है। और ये देखिए, ये ग्रीन कलर का पर्दा मैं अभी उठा करके मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जैसे इसको कर रहे हैं एकदम लाल लाल फेस आने लग रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लग रहा है। देखिए बिल्कुल अंधेरा जैसे हो रहा है, तो इसलिए मुझे उठा करके वो करना, वीडियो बनाने में मुझे यहाँ पर बहुत बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इसलिए ज़्यादा मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है। और यहाँ मेरी वीडियो डालने का कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, इसलिए आप लोग बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप लोगों को मिलता रहे, क्योंकि यहाँ समय नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मेरा तो कोई भी टाइम फिक्स नहीं मिल रहा है। जब भी उनको समय मिल रहा है तभी मैं वीडियो अपलोड कर सकती हूँ। जो लोग हमारे चैनल पर हैं, जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, लगभग हो ही चुके हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। अच्छा लग रहा है मुझे वीडियो बनाने में, अब थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है, पर आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हैं, इसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी होती है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से अपना बनाए रहें और जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, आगे देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है। जो भी मैं करूँगी आप सबों के साथ अपडेट जरूर दूंगी, बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। खाई 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 ली किसी को, क्यों रो रहा है? उसको कोई खा रहा है, रो रहा है, अभी खत्म हो जाएगा, हो जाएगा तो क्या है? बस क्या गुस्से होना है तुमको, लोग गुस्से में भी देखे क्या क्या करते हो, देखिए गुस्सा में कैसे होता है। ये गुस्से में ना किसी सर पे फोड़ देगा। हो गया, अरे नीचे आइए भाई, आप 60 का ऑप्शन नीचे होगा, उसको हटा दीजिए, फोटो में ही अभी मत डालिए। और यहाँ से लगे मम्मी ले लो, आने मत। हाँ सही है, हाँ ठीक है, लिख लीजिए आप 60 नीचे, ये लिखा हुआ देखिए जनरेटर। हाँ स्किप कर दीजिए इसको, बायोमेट्रिक कर रहे हैं, सेम है सबका एड्रेस, तो इस पर आइए, इससे तो इस पर आइए, ये सी के वाई सी आधार नंबर डालिए। मम्मी ये गोल वाला जो है उसका नाम क्या है? नहीं है,
सो गाइस देख सकते हैं आप लोग, ये क्लिप हमारे मायके के घर का है। तो हमारे घर के आगे अभी घर में दो दो गाड़ी हो गई ना, तो गाड़ी रखने का द्वार पर जगह नहीं हो रहा था। तो देखिए कितना बड़ा सा एकदम गैरेज बना हुआ है रखने के लिए। और मतलब एक सोनू, मतलब मेरे भाई का नाम है सोनू, तो वो एक नया गाड़ी खरीदा है और एक उसको शादी में जो मिला था, ये वाली गाड़ी जो उसको शादी में मिला था वो है। और बाइक भी तीन चार है, तो फिर रखने के लिए जगह नहीं हो पा रहा था, इसलिए देखिए घर के एकदम आधे हिस्से में बहुत ही बड़ा सा गैरेज बना हुआ है। अंदर से कितना अच्छा, इसलिए मैं वॉइस ओवर करके आपको लोग बता रही हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ सके। ये सब धुलना पड़ेगा, जितना भी सीमेंट गिरा हुआ है ना सारा, इसको धुलना पड़ेगा। यहाँ पे ये देखिए गैरेज बनवाया गया है, इतना बड़ा सा गैरेज। छोटो 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 छोटो, अभी एक गाड़ी वहाँ रखी हुई है और यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे तू है। बंद कर दो, हाँ बंद कर दो। नहीं दिखाएंगे बोले। किसको? नानी को। क्यों? ना। क्यों? तेरे ड्रेस। अरे मैं गई मेरे लोग मेरे पैर में। लाइन आपको भी दिखा दूँ। हाँ बोलता है। बुलबुल हटो ना, हटो ना, एक बार क्लोजअप ले ले थोड़ा। अब तो छूट गया, ऐसे ले ऐसे ले। मसल सुना बैठे हुए हैं मच्छरों से, मच्छरों की दवा से बचते हुए। यहाँ पे गाइस मैं अपने आँखों में ड्रॉप डाल रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने तीन टाइम ड्रॉप डालने के लिए आँखों में बोला हुआ था। तो यही मैं खुद से ही डाल रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, हो तो नहीं पा रहा है लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि करना तो अकेले ही पड़ेगा, क्योंकि अकेले हम रहते हैं तो अकेले ही करना पड़ेगा। कब तक हम किसी का वेट करते रहेंगे कि कोई हमको डाल दे, इसलिए मैं खुद से ही करने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पर प्रियल गेम खेल रहा है, यहाँ पर सारा दिन इतना मस्ती कर रहा है सब ना कि क्या ही बताएं हम, बिल्कुल भी हमारे बस में नहीं है सब, सारा दिन गेम गेम गेम। हेलो गाइस, मैं जा रही हूँ अब नहाने के लिए। अरे इस लड़की को रात को इतना एंजॉय की थी, गई थी एक बर्थडे पार्टी में अपने दोस्त की, बस ये और अपने भाई के साथ 10 बजे रात में आई थी, आप मानेंगे नहीं। देखो यहाँ पे इतना मतलब अंधेरा अंधेरा दिख रहा है ना कि हमको वीडियो बनाने का यहाँ मन ही नहीं कर रहा है एकदम से। सॉरी आप लोगों से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपर वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ आजकल, मुझे इधर उधर से वीडियो डालना पड़ा है, क्योंकि यहाँ एकदम अजीब सा आ रहा है ना कैमरे के सामने, वो लग गया ना पर्दा, पर्दे की वजह से एकदम रेड रेड दिखाई दे रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे बनाने का मन ही नहीं करता है। जब कुछ अच्छा नहीं लगता है ना तो फिर शूट करने का मन नहीं करता है। बनारस में एकदम लाइट लाइट आता है। हाँ यहाँ पे चेहरा बिल्कुल अच्छा आ ही नहीं रहा है, एकदम रेड रेड सावला सावला दिख रहा है। मैं गई थी 8 बजे 7 बजे 7:30 बजे गई थी और 10 बजे 10:15 बहुत अच्छा कर रही है तुम यहाँ पे। अगर इसको एक महीना अकेले छोड़ देना तो एकदम बिगड़ के लड़की खड़ी हो जाएगी, कोई बोलता उलता नहीं है, इसके बाबा दादी कुछ भी बोलते नहीं है, इसलिए और बिगड़ती है। अरे बाप रे बाप, आँख में दवा भी डालना है, भूल जा रहा है, कभी डाल रहे हैं कभी नहीं डाल रहे हैं, एक टाइम डाल रहे हैं तो दो टाइम भूल जा रहा है। रात में सोचे थे कि मोबाइल देख करके उसके बाद से डालेंगे, फिर सो गए, वैसे ही नहीं डाल पाए। चश्मा लगा के भी ले, मैं भी आप देखना है कैसे आप चश्मे। अभी नहीं बेटा, अभी जा रहे हैं हम नहाने के लिए। मम्मी नहाते मैं तो दिखाऊंगी चश्मे में मम्मी कैसे लगती है, कैसी लगती है, क्या करूँ, मजबूरी है तो सब कुछ करना पड़ेगा। ये चश्मा लगा नहीं रही है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तो कहाँ खरीदी आप? खरीदे हैं, शौक से थोड़ी ना खरीदे हैं, डॉक्टर जबरदस्ती दिया है तो खरीदे हैं। चलिए ठीक है, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मेरे से कमेंट में बताना किस किस को दही पसंद है, किस किस को दही पसंद है।
इसको दही बहुत मुझे बहुत ज्यादा पसंद जान से खिलाएगी मुझे मीठा है खरीदा हुआ दही बहुत अच्छा लगता है पैकेट वाला आप इस कमेंट में बताना किस किस को दही पसंद है हाँ हाँ बताएंगे सबको पसंद होगा एक आदमी तो नहीं इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ फिर मैं कोशिश करती हूँ अभी फिर मायके भी जाना है कोशिश मैं पूरी करूंगी कि मैं प्रॉपर ब्लॉग डाल सकूँ कहीं पर हो नहीं पा रहा है पता नहीं। हो जाएगा ना